हाय गाइस, हम सर्वे चैन सर्वे सिविल डाकेस चैनल में आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये जो आपका साउथ इंस्ट्रूमेंट है, साउथ इंस्ट्रूमेंट का बारे में आप लोग सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छा है। चलिए, मेरा ये चैनल पे बना रहिएगा और चैनल को ज़रा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो इंस्ट्रूमेंट के पास अब अभी दिखाता हूँ। इसमें ये जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसमें देख रहे हैं वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा डिस्प्ले है, ये डबल डिस्प्ले, ठीक है। ये बाबेलिंग है, बाबेलिंग को ज़रा देखा था, ये हमारा बाबेलिंग है, ठीक है। और ये जो आपका है टेलीस्कोप, ठीक है, ये लेंस है। तो इसका जो बैटरी आता ना, ये बैटरी देखिए, ये बैटरी है इसका। बैटरी खोल के भी देखा देता हूँ, देखिए इसका बैटरी ऐसा आता है, ये इधर चार्ज देता है बैटरी को, चार्ज में लगाता है ये वाला। इसका केबल है अलग से, लगा दिया, अभी लगा दिया बैटरी को, बैटरी भी लग गया, ठीक है। तो ये डाउनलोड के वाला है, डाउनलोड डाटा डाउनलोड होता है इसमें, ठीक। ये जो है पावर बटन, ये देखिए पावर बटन है, ये पावर बटन इसको दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा, देखिए चलो हो गया, ये ऑन हो गया। अभी हम क्या करेगा, इसको हम बाबेलिंग कर लेंगे, पूरा पूरा सेटअप कर लेंगे बाबेलिंग करके, ठीक है। तो मैं बाबेलिंग करेगा, बाबेलिंग करके सेटअप कर लेता। तो देखिए, ये जो है इसका मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर आ गया NT NTS 360R4L, ठीक है, ये मॉडल नंबर है इसका, ठीक है। तो हम अभी इसके में आएंगे, इसके में आने के बाद इसका ये जो स्टार उसके बाद टिल्ट में चला गया। टिल्ट में जाने के बाद इसमें P1, ठीक है। तो हम अभी इसको एक्स और वाई को, ये जो फुट स्क्रू है, फुट स्क्रू का दौरान हम इसको घुमाएंगे। तो ये जो साउथ है ना, साउथ का जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा अलग है, जैसे लाइका, सोकिया, टॉपकॉन, इसमें मतलब अलग अलग है। और ये जो है ना साउथ बहुत कम कंपनी में मिलता है, और इसमें पूरा पूरा जो फंक्शन है इसका अलग है, ठीक है। अभी हम बाबेल भी कर लिया, देखिए बाबेल भी कर लिया। चलिए, हम अभी एक्स और वाई को इसको टिल्ट कर लेते हैं, एक्स और वाई को, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा एक्स है, ये दोनों वाई है, ठीक है। तो ये हमारा फेस लॉक है इसमें। तो हम अभी टिल्ट कर लिया, देखिए अभी हम टिल्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके में आ गया। और इसका जो है ना आपका लेज़र, ये लेज़र है, देखिए लेज़र है, ये पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट को बंद किया, लेज़र बंद हो गया, ठीक है। तो इसके में आइए, इसके मैंने के बाद इसके मेनू, ठीक है। मेनू में आने के बाद इसका क्या करना है, जैसे तो गाइस देखिए, अभी ये हमारा जो है ना डाटा कलेक्ट लेआउट और मेमोरी MGR प्रोग्राम्स पैरामीटर्स, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट हमने इसमें इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल्स जो वीडियो है आप लोग को पार्ट पार्ट करके मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो पे दे देंगे। तो डाटा कलेक्ट में एक नंबर में चला गया, ठीक है, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको बैकसाइट करना है, तो बैकसाइट के लिए जैसे ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पे है, इंस्ट्रूमेंट का पहले कोऑर्डिनेट देना है बैकसाइट के लिए। मान लीजिए इधर हमारा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट वो पिलर पे है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, इसमें OCC इनपुट एक नंबर पर आ जाएंगे। एक नंबर पर आने के बाद ये जो है ना आपका OCC में आया, फिर उसके बाद नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड, फिर वैल्यू दे दिया, एंटर कर लिया। एंटर आपको जो है देखिए OCC में चला गया, नॉर्थिंग ईस्टिंग, एंटर कर दिया, एंटर। फिर क्या करना है, रिकॉर्ड, ये जो है ना रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर लिया, यस, बस कंप्लीट हो गया आपका जो बैक साइड, जो हमारा दूसरा पॉइंट, हम दूसरा पॉइंट में देंगे। तो दूसरा पॉइंट में आने के लिए
टू दबाना पड़ेगा। टू दबाने के बाद फिर क्या करना है, बी एस, जो बी एस है बी एस दबा दिया। फिर ए नी ए जेड ए दबाना है, ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो है ना मेजर दबाना पड़ेगा। मेजर दबाने के बाद उसके बाद एनी एनी जेड इसमें तो आपका ले लेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बैक साइड का फंक्शन, इसके माइए। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको बैक साइड हो गया, तो बैक साइड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे रिसेक्शन, रिसेक्शन में क्या करना, बस आपको कहीं भी नहीं, एस्केप में मेन पेज में आ गया, एस्केप कीजिए, मेन्यू में चला जाइए, दो पॉइंट जो लेआउट है ना, लेआउट में आइए, दो लेआउट में चला गया, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद ये जो पी है ना, पी में आना है, पी एंटर किया, इसमें एंटर किया, उसके बाद क्या लिखा, रिसेक्शन, दो नंबर रिसेक्शन, ओके 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 यस। आपको नंबर वन जो है ये आपको नॉर्थिंग स्क्रीन जेड वैल्यू देना पड़ेगा, स्ट्रिंग नॉर्थिंग वैल्यू दे दिया, मान लीजिए हम 100 दे दिया, ठीक है, इधर 200 दे दिया, ठीक है, और जेड वैल्यू दे दिया, एंटर कर लिया, एंटर, ठीक है। उधर इंस्ट्रूमेंट आई देना है तो इधर इंस्ट्रूमेंट आई दीजिएगा। उसके बाद हमको डिश लेना पड़ेगा, डिश लेने के बाद वो आएगा, फिर दोबारा दोबारा फिर पॉइंट लीजिए, ठीक है, दोबारा फिर दोबारा में वो दो नंबर आएगा, दो नंबर में आप फिर सेम तरीका से ऐसे करना है, दो नंबर में आपको जैसे ये कोऑर्डिनेट डालना है, फिर डिश लेना है, फिर उसका एरर दिखा देगा कितना है। वो हम रिसेक्शन कैसे होता है दूसरा वीडियो में हम बना देंगे पूरा डिटेल्स तरीका से। फिर आपका रिसेक्शन हो गया, ठीक है, आपका रिसेक्शन हो गया, आपका बैक साइड भी हो गया। अभी हम देखेंगे इसका टोपो कैसे होता है, टोपो के लिए कौन कहाँ पर जाना है, डाटा लेआउट एक नंबर पे चला जाइए, एक नंबर पे चला जाइए, ठीक है, एक नंबर पे जाने के बाद आप एंटर कर लिया, ठीक है, इधर इधर एंटर का बटन काम नहीं कर रहा तो इधर इधर कीजिए, ठीक है, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद क्या है, ये जो है ना बैक साइड में जाइए, थ्री एफ एस एस एस, ठीक है, तीन नंबर पेज में आइए, ये आप थ्री एफ एस में आ गया, थ्री में डाल दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें किधर भी नहीं जाना, इसमें आपको सर्च में आइए, सर्च में आने के बाद व्यू, व्यू आने के बाद फिर एडिट, आपकी एडिट करना है, जैसे इधर हमारा पीटी नंबर एक हो गया, ये नीचे कीजिए पीसी कोड, जैसे बाउंड्री वाल बी डब्लू, मतलब इधर बी दे दिया, फिर आपको डब्लू, जैसे डब्लू दे दिया, फिर आप पी दे दिया, आपका गलत लग गया, क्या ये गलत हो गया, हमको इसको क्लियर करना है, तो इसमें बैक में आइए, ए बैक, देखिए पूरा चला गया, ये बैक है, ये बैक स्विच बैक है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, जैसे बी हो गया आपका, फिर डब्लू कर लिया, फिर क्या करना है आपको, वो जो जो हाइट है ये देना है, ठीक है, तो इधर करना है, फिर एंटर कीजिए आप, एंटर, ठीक है, एंटर कर लिया, फिर आपको मेजर लेना है, ठीक है, ये आने के बाद फिर उसके बाद आपको ये मेजर करना है, ये जो मेजर है नॉइज़, तो आपको कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अभी ये साउथ का मैंने इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो दे दिया, अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो इसका पार्ट पार्ट करके हम बी सेक्शन और आपका जो बैक साइड और रिसेक्शन के लिए मैं वीडियो लेके आएंगे पार्ट पार्ट करके, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।